अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल गुड। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मौजूद हैं करीम गोट फार्म पर और करीम कैटल फार्म पर। तो मैंने सोचा आज आपको अपडेट दे दें, क्योंकि मैं एक हफ़्ते बाद यानी कि आता हूँ, तो मुझे असल में प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छी दिखती है बनिस्बत मान के, क्योंकि मान तो देख ही रहा होता है मुसलसल। लेकिन मैं एक हफ़्ते बाद आता हूँ, हफ्ता एतवार मेरा विज़िट होता है, तो मुझे बकरों में जितनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप देख सकते हैं। और आप लोगों को भी दिखाता हूँ, और आप लोग भी बताइएगा कि बकरों की और बछड़ों की क्या कैसी ग्रोथ चल रही है। और आइए पहले देखते हैं बकरे, फिर इंशाल्लाह बछड़ों की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो मैं अभी खड़ा हूँ बड़े वाले बकरों की शेड पर, और अभी सारे बकरे यानी कि बकरियाँ अंदर चली गई हैं। शाम का टाइम हो गया, थोड़ा सूरज नीचे आ गया, थोड़ी ठंड है लेकिन इतनी नहीं है आज ठंड। और ये बड़े बकरे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, व्हाट अ फेस। आप लोगों ने बोला मुँह काला करवा के आया, वाकई में मुँह काला करवा के आया है। ये हमारा ब्रीडर माशाल्लाह, बाकी आसिफ भाई का बकरा। किसी ने मुझे कमेंट किया कि इनके साथ खेलें बकरों के साथ, ज़रूर एक आध दिन निकालेंगे ऐसा कि बकरे निकालें और एक एक करके उनके साथ खेलें। इनमें से कम ही बकरे हैं जो खेलना मांगते हैं, जैसे ये हमारा, ये तो शेरू जो है ना, ये हमेशा खेलना मांगता है। और एक ये आसिफ भाई का है, ये हमेशा खेलना मांगता है। बाकी एक और है, वो भी खेलना मांगता है। ये था, ये भी खेलना मांगता था। तो कुछ बकरे हैं जो खेलना मांगते हैं, क्योंकि उनके साथ खेलो और उनके साथ मस्ती करो। दुम्बे तो आपको पता है कि वो होते ही खेलने वाले हैं और मारने धाड़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह वो ब्रीडर खड़ा हुआ है। सारे बकरे देख लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेट हैं। छोटे बकरों की तरफ चल लेते हैं, छोटे बकरे भी अल्हम्दुलिल्लाह सेट लग रहे हैं माशाल्लाह से, अपनी ग्रोथ में चल रहे हैं माशाल्लाह। बाकी मुंडा भी अच्छा चल रहा है, दोनों लॉन्ग टेल भी माशाल्लाह। एक बकरा है इसमें जो कि मुझे बीमार लग रहा है, देखिए वो लग रहा है, इसको पीला जो निशान है वो वैक्सीनेशन का निशान है, तो कोई हम पे दवा वगैरह का लगी थी। अमार भाई ने, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो उन्होंने टीके लगाए थे जिगर के, तो ये उनके निशानात हैं। बाकी बकरियां मैं दूर से दिखा दूँ, चले अंदर चल के दिखा दूँ। अच्छा, तो बकरियां बाहर निकली हुई हैं, क्योंकि इनका चारा थोड़ा सा बचा हुआ है। और आप देख सकते हैं बच्चे वगैरह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़े से बड़े हो गए जब भी दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नसर भाई मना कर रहे हैं मुझे, वीडियो नहीं बनाई ना सर भाई बच्चों की, वीडियो नहीं बनाई ना बच्चों की, नहीं बनाई, बकरियों की बनाई। ऐसे बच्चे तो किधर जाते हैं, उधर भी उसे भी आते हैं, नहीं दिखा रहा ना मैं। चले भाई बछड़ों के पास चलते हैं। अच्छा जी, तो बछड़ों की तरफ चलते हैं। बाकी शामिर भाई ने जो हरकत की ना आज हमारे साथ, वो अच्छी हरकत नहीं करी, सारे कपड़े हमारे गंदे हो चुके। ब्राउनी को अंडा खिला दिया है मुझसे, और मैंने अंडा तकरीबन गिरा दिया, एक बार तो गिरा दिया पूरा, लेकिन दूसरी बार में थोड़ा बहुत खिला दिया, लेकिन मेरे कपड़े जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं अभी इस वक्त। खैर है, कोई मसला नहीं है। बाकी आपको दिखाते हैं बछड़ियाँ, पहले बछड़ियों से शुरू करते हैं इंशाल्लाह आज माशाल्लाह। ये हमारी परी माशाल्लाह, ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं। और ये मलाई अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको आज हम लोगों ने अंडा खिलाया, कच्चा अंडा भी खिलाया, और शामिर ने और नसर भाई ने फिर इसको बॉयल एग भी खिलाया, जो कि शामिर की वो थी नसर। मैंने बता दिया है कि शामिर ने आज बड़ी अच्छी हरकत नहीं करी, हाँ अंडा खिला दिया है हमने, और आधा गिरा दिया है।
हाँ, क्योंकि मैं बछड़ों की तरफ ज़्यादा आता नहीं हूँ भाई, साफ सी बात है। मेरा बकरों में ज़्यादातर शौक है। और ये देखते हैं इसको, माशाल्लाह आज तो सेट लग रही है। खाना पीना थोड़ा कम ही चल रहा है इसका, मुझे लग रहा है। क्या कहते हो, अब इनके ओनर को है ना डरा दिया है कि ये प्रेग्नेंट है, फिर अब वो परेशान हो रहे हैं। तो हमें भी नहीं पता कि है या नहीं है, नहीं है वही बात है, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन हमाद भाई ने पता किया है कि यार इसको पहले सेट हो जाए, फिर उसको देखते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि बीमार थी नहीं पिछले दिनों, हफ्ते से एक हफ्ता बीमार रही है। मसला यही है हाँ, कि पता नहीं होता कुछ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हल्का फुल्का है, लेकिन अल्लाह ना करे कि ना हो, क्योंकि बनने वाली चीज़, हाँ बनने वाली चीज़ भी। और वो जो लेकर आए हैं ओनर, उनके लिए डिसाइड हो रहा है मामला सारा ना। तो यार मैं ऐसी चीज़ लेकर आ गया हूँ, खैर अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, नहीं होगा इंशाल्लाह, नहीं होगा। बाकी सेट हो जाए बस ये थोड़ी, फिर इंशाल्लाह ग्रोथ भी करेगी इंशाल्लाह। बाकी बंटी ये फटती रहती है इसकी, इरफान भाई आज आए नहीं, आप इंतज़ार हो रहा, आपने आपका बछड़ा है ना वो आपका इंतज़ार कर रहा है कि कब आएंगे इरफान भाई। बाकी ये डॉक्टर भाई, इरफान भाई का बछड़ा माशाल्लाह अल्लाह नज़रे बस से बचाया बस इसको। हम तो 5 महीने से, मैं तो देख रहा हूँ ये देख रहे होंगे, मैं हम लोग तो बहुत छोटेपन से देख रहे हैं, इतना सा आया था जब बकरो जितना था ही तकरीबन, नहीं उसी मैं भी उतनी तक, हाँ उतना ही नाव झाला से तो अच्छा लगता ही था, मगर अब हेल्प भी कर रहा है, हाइट भी कर रहा है ना, और ऊपर जा रहा है इंशाल्लाह, शो स्टॉपर बनेगा इंशाल्लाह, लेकिन 2023 का बनेगा इंशाल्लाह, 24 तक भी जा सकते हैं, हाँ 24 तक भी जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बाकी ये हमारे आईफोन मैक्स प्रो, इसने भी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी भी माशाल्लाह, कलर देख रहे हैं आप यूनिक माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये गेना है, साथ भाई का गेना है, साथ भाई पूछ रहे थे, साथ भाई माशाल्लाह से अच्छी प्रोग्रेस चल रही है इसकी, अभी थोड़े बाल वाल थोड़े से इसके वैसे हुए हैं, इंशाल्लाह ये सेट हो जाएंगे, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं अच्छी ग्रोथ चल रही है इंशाल्लाह, अच्छा बनेगा माशाल्लाह से। बाकी इस तरफ आ जाते हैं, ये वो बन गई है हमारी एक तरीके से मचान, और इस पर वेट मशीन रख दी गई है, और सरफेस सीधा हो चुका है। सर भाई मेरा वेट तो कर दो, चलाओ ज़रा इसको, चल रही है ना अब तो कोई मसला नहीं है, बताओ कितना है, कितना है अभी वो सही आया ही नहीं है, नहीं आया उतर नीचे उतर, अच्छा इसको ज़ीरो करते हैं फिर चढ़ते हैं, ज़ीरो कर दिया मैंने, कितना है शामिर, 78 ही है, सही है मेरा 78 ही वज़न है इसका मतलब, बेहतरीन। वैसे तो 72 था, लेकिन पता नहीं 78 कैसे हो गया। चलें भाई ये भूरा भाई मुश्तबा भाई का माशाल्लाह से है, थोड़ा सा ये नखरीला है, थोड़ा सा हाथ वाथ लगाने नहीं देता, ये सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये उसामा भाई का माशाल्लाह, इसकी मुझे लग रही है कि हाइट इसने करी है माशाल्लाह, हाइट भी कर रहा है और अपनी वेट भी बढ़ा रहा है माशाल्लाह से। बाकी ये तो आपको पता ही है, इसकी सिंगे अब मुझे लग रहा है कि अच्छी निकल के नहीं आ रही है, सिंगों का भरम इसका जा रहा है, मान से कहना पड़ेगा इसका दौड़ना, सिंगे जो है ना घिसवा दी जाए। लेकिन गर्दन देख सकते हैं आप, कोहान देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये आ गए हमारे राजा राजू भाई, राजा राजू, बचत हो गई, बचत हो गई, बचत हो गई भाई, बचत हो गई,
मैं इतने करीब खड़ा हूँ इसके, बताओ। माशाल्लाह। ये देख लें अफलातून, अभी हमारी बचत हो चुकी है इससे, वरना हमारी टांग जा चुकी थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुल्तान, ओए होए 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 होए, हाथ देख ले मेरा कितना ऊपर जा रहा है। माशाल्लाह बहुत हाइट में जा रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी वो सुल्तान वो खड़े में ठाकुर वहाँ उस तरफ, वही मैंने बोला एक कम लग रहा है इधर से, वो उधर चला गया, मान वीडियो बना रहा उसकी। माशाल्लाह। और ये भाई जान भोला 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 हो गए माशाल्लाह से। बाकी इधर चलते हैं, ये क्या वीडियो बन रही है, क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या कह रहे हैं आप? पकड़ के लेके आए थे इसको, आप पकड़ के लेके आ नहीं सकते, ये कह रहे थे। हाँ नहीं, पकड़ के लेके तो आ सकता हूँ। माशाल्लाह। नहीं इसने हाइट देख रहे हैं, नसर भाई के पेट पे आता था ये, अब कंधों पे आ रहा है। माशाल्लाह। बाकी कमरे की अपडेट दे देता हूँ जब तक मान बना रहा है वीडियो। कमरे से पहले आपको शेड दिखा देता हूँ कि कहाँ तक मुकम्मल हो चुका है। तो ये भाई पूरा शेड, यानी कि कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं, ये जो शेड चल रहा है हमारा, यही शेड कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, ये वाले पिलर तक, आखिरी जो पिलर है हमारा, ठीक है। बाकी खोर वोर अल्हम्दुलिल्लाह बन रही है, एक थल्ला रह गया है, मेरा ख्याल है कि एक एक पट्टा और लगेगा इस पर, तो ये जो है खोर जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी माशाल्लाह से। तो ये जो है ये कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, ये बनना शुरू हो गया है मामला, एक एक थल्ला और लगना रह गया, एक एक ब्लॉक और लगेगा, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। और बाकी मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ, कमरा अल्हम्दुलिल्लाह टोटली कंप्लीट हो चुका है, ऊपर टंकी लग चुकी है छोटी, और पाइपिंग वाइपिंग सब हो चुका है मामला, बिजली का थोड़ा बहुत रह गया मामला, ये बाथरूम का गेट है। बाकी ये कमरा हमारा तैयार हो चुका है, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो ये कमरा हमारा और ये पाँच तैयार हो चुकी है नमाज वमाज पढ़ने के लिए, यहाँ हम लोग नमाज पढ़ सकते हैं। बाकी शेड आप देख लें, ये देख सकते हैं शेड जो है वो, ये सारा शेड कंटिन्यू हो जाएगा, और ये पूरा एक ही शेड बछड़ों में हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है भाई। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अभी आप मान की वीडियो देखें, और ये लेके भाग चुका नसर भाई, नसर भाई को लेके भाग चुका है, अब ये हाथ में आएंगे नहीं आएंगे। अंदर ही ना घुस जा, चले भाई जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी अपडेट मैंने आपको दे दिए, जब ये शेड बन जाएगा उसके बाद मुझे पता है आप लोगों की कॉल्स और जो पलाई के लिए लोग हैं वो करना शुरू कर देंगे, रابطہ करना शुरू कर देंगे। सख्त हो रही है, गंदा हो गया, चलो गंदा।
गिर रही है ये। तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि आप लोगों के मैसेजेस और कॉल आना शुरू हो जाएंगे कि भलाई पे रखना है बछड़ा और ये, तो मैं पहले ही बता दूं क्योंकि पीछे हमारे तकरीबन 6 से 7 बछड़े हमारे वैसे ही बुक्ड हैं, ठीक है ना। बाकी की जगह इंशाल्लाह देखेंगे कि कितनी जगह स्लॉट्स खाली हैं हमारे पास, तो उसके उसी तरीके से हम लोग आप लोगों को बोलेंगे भाई इतने स्लॉट्स खाली हैं तो इतनी गुंजाइश है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कहानी है, जो पहले आएगा वही यानी कि उसको ही जगह यानी कि मिलेगी। काफ़ी लोग मुझे बोलेंगे कि यार मेरा रख लो जगह, लेकिन जब आप कॉल पर यानी कि बछड़ा वगैरह लेकर आ जाएंगे तभी यानी कि डन होगा मामला, पहले जो लेकर आएगा वही यानी कि जगह का वो होगा मुस्तहिक। बाकी ये अल्लाह मालिक है, ठीक है। बाकी मैंने अपडेट दे दिया आप लोगों को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। दुआओं में याद रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है भाई। मान को लेके भाग गया और मान वीडियो बना रहा है, आप लोग उसकी वीडियो एंजॉय करें, ठीक है भाई। जज़ाकअल्लाह।